मेरा बात मानने की तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? मेरा बात आपको मानने में जाता क्या है? अगर आप मेरा बात मान लेंगे तो नुकसान क्या है? फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां हम कहते हैं कुछ बिगड़ जाएगा क्या, जाता क्या है, या घाटा क्या है, या नुकसान क्या है। तो आइए फ्रेंड देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस जहां अक्सर हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं किस तरीके से बोलना है। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर है और आपका नाम है साजिद। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि सर इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलें। तो आइए फ्रेंड्स आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं इस लेसन की शुरुआत करूं, मैं आपसे एक बात कहूं कि यह वीडियो नंबर 500 है और अभी तक मैंने 421 वीडियोस सिर्फ आपके रिक्वेस्ट पर बनाए हैं। यानी मैं ज्यादातर वैसे ही वीडियोस बनाता हूं जो आप रेकमेंड करते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो आइए फ्रेंड्स आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम कहते हैं जाता क्या है, या नुकसान क्या है, घाटा क्या है, या क्या बिगड़ जाएगा को बोलने के लिए हम व्हाट इज हार्म इन प्लस जीरंड या किसी नाउन का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, आइए इस बात को एग्जांपल में समझें। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो बात मानने में तुम्हारा जाता क्या है, तो आप कहेंगे व्हाट इज योर हार्म इन ओबेइंग, यानी बात मानने में तुम्हारा जाता क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हार्म के पहले मैंने बोला योर, क्योंकि आपके सेंटेंस में है तुम्हारा। अगर बाय द वे आपके सेंटेंस ऐसे हो, बात मानने में जाता क्या है, या बात मानने में नुकसान क्या है, या बात मानने में घाटा क्या है, तो फिर इस तरह के सेंटेंसेस को आप ऐसे बोलेंगे व्हाट इज हार्म इन ओबेइंग, यानी बात मानने में नुकसान क्या है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कोशिश करने में हर्ज क्या है, या कोशिश करने में जाता क्या है, कोशिश करने में नुकसान क्या है, तो आप कहेंगे व्हाट इज हार्म इन ट्राइंग, यानी कोशिश करने में जाता ही क्या है, कोशिश करने में नुकसान क्या है। फ्रेंड्स, अगर बाय द वे इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट में हो, जैसे कोशिश करने में घाटा क्या था, कोशिश करने में तुम्हारा जाता क्या था, कोशिश करने में नुकसान क्या था, कोशिश करने में क्या बिगड़ जाता, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जैसे व्हाट वॉज हार्म इन ट्राइंग, यानी कोशिश करने में नुकसान क्या था। और फ्रेंड्स, बाय द वे अगर इस तरह के सेंटेंसेस फ्यूचर में हो, तो आप विल बी का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे, जैसे वह करने में तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट विल बी योर हार्म इन डूइंग दैट, यानी वह करने में तुम्हारा घाटा क्या होगा, तुम्हारा नुकसान क्या होगा, या तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो सच बोलने में नुकसान क्या है, तो आप कहेंगे व्हाट इज हार्म इन स्पीकिंग ट्रूथ। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सब्सक्राइब करने में आपका जाता क्या है, या सब्सक्राइब करने में आपका क्या बिगड़ जाता है, या फिर सब्सक्राइब करने में आपका नुकसान क्या है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट इज हार्म इन सब्सक्राइबिंग, यानी सब्सक्राइब करने में नुकसान ही क्या है, वहां जाने में जाता ही क्या है, या वहां जाने में नुकसान ही क्या है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट इज हार्म इन गोइंग देयर, यानी वहां जाने में नुकसान क्या है। 2 मिनट बात कर लेने में आपका क्या बिगड़ जाएगा, या 2 मिनट तक बात करने में आपका क्या चला जाएगा, या 2 मिनट तक बात करने में आपका क्या नुकसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट विल बी योर हार्म टॉकिंग फॉर 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट तक बात करने में आपका क्या बिगड़ जाएगा, क्या घाटा लग जाएगा, या क्या नुकसान हो जाएगा। एक बार कोशिश करने में जाता क्या है, तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट इज हार्म इन ट्राइंग वंस, जवाब देने में आपका जाता क्या है, या जवाब देने में आपका क्या बिगड़ जाता है, या जवाब देने में आपका क्या नुकसान है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट इज हार्म इन आंसरिंग, मेरी वीडियोज को शेयर करने में जाता क्या है, या मेरी वीडियोज को शेयर करने में घाटा क्या है, मेरी वीडियोज को शेयर करने में नुकसान क्या है, या क्या बिगड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट इज हार्म इन शेयरिंग माय वीडियोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आया। बाय द वे फ्रेंड्स, अगर आपको जवाब में ये कहना हो कि कोई नुकसान नहीं है, या कुछ नहीं बिगड़ता है, कोई घाटा नहीं है, जैसे सब्सक्राइब करने में कोई घाटा नहीं है, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं बिगड़ता है, सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान नहीं है, तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर इज नो हार्म इन सब्सक्राइबिंग, सच बोलने में कोई नुकसान नहीं है, सच बोलने में कुछ नहीं बिगड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर इज नो हार्म इन स्पीकिंग ट्रूथ। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर वाकई आपको यह टॉपिक समझ में आया, तो क्या इस टॉपिक पर 2 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? सिर्फ 2 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन्स के साथ, तब तक के लिए बाय।